खाक बरसाती साए साए हवाएं, भट्टी से तपते रेत के टीले और दो बूंद पानी के लिए मीलों सफर करती महिलाएं, सूखी लकड़ियों का ईंधन, आसपास उपजे अनाज का भोजन, पशु और मनुष्य का लगभग साथ साथ संघर्ष करता जीवन, राजस्थान के हर ग्रामीण अंचल की लगभग यही कहानी है। धूल और धूप से चिलचिलाती सड़कों और झुलसती हवाएं, जीवन संघर्ष के इनके फौलादी इरादों को कभी नहीं पिघला पाती, हाथों में फावड़े हों या कोमल धागे। रेत के ढेर को मिनटों में ढेर करती ये स्त्रियां जीवन संघर्ष की जीवित दास्तां हैं। इनकी जिंदगी में हमेशा घूंघट, अभाव, अशिक्षा और गरीबी का बोलबाला रहा। परिवार के साथ साथ पशुधन को भी पालती ये ग्रामीण औरतें संतोष और कर्म की अनूठी कहानी है। खुद के परिवार के पेट भरने का प्रश्न सुबह शाम मुंह बाए खड़ा रहता है, लेकिन उस पर भी पशु प्रेम इंसानियत का बेमिसाल उदाहरण है। छोटी छोटी घास फूस और सींकों से बनी इन ढाणियों के भीतर संतोष का सन्नाटा पसरा रहता है। यहाँ रोजगार का मतलब है सरकारी योजनाओं से मिलने वाली सहायताएं, काम के बदले अनाज हो या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर फावड़े से अभावों को ढकेलती इन स्त्रियों का दर्द इनके घूंघट से कभी बाहर नहीं झांकता। धूप में परिश्रम हो या घर की सुविधाओं को जुटाने का जतन, इनके चेहरे का सुकून कभी भी भागता नहीं। जल ही जीवन है, ये 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान में फावड़ा चलाती इन महिलाओं से बेहतर कौन जानता है। जरा सा गला तर हुआ, पेट में दो रोटी गई तो मशीन रूपी शरीर फिर धूल के ढेरों में भविष्य तलाशने लगा। पेट की आग के आगे आसमान की आग भी शीतल लगती है। बीता वो जीवन, बीती वो बातें, माव से काली थी जीवन की रातें। नारी का जीवन था एक खिलौना, कांटों भरा था ये जीवन सलोना। बंदनी थी वो पिंजरे की मैना, किसी की ये बीवी किसी की ये बहना, मर्जी न उसकी चलती कहीं थी, खूंटे बंधी सी एक जिंदगी। इन औरतों ने नंगे सिर कभी घर के बाहर की दुनिया नहीं झांकी। सुख या आराम तलब जिंदगी इनके लिए किसी सपने सा है। अपने ही घर बैठकर आर्थिक संपन्नता की सोचना इनके लिए फिल्मी दुनिया की सैर है, पर इन महिलाओं की अटूट प्रबंधकीय क्षमता और शारीरिक परिश्रम की ताकत को पहचाना कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने। गांवों में उपलब्ध भेड़ों के ऊन से इंद्रधनुषी गलीचों का निर्माण एक ऐसा सपना था जो ये खुली आंखों से देख रही थी। घर बैठे बैठे काम करके हजारों का दाम, कहीं ये शोषण का नया फंडा तो नहीं। बड़ा मुश्किल था इन अनपढ़ और परंपरावादी महिलाओं को समझा पाना। आखिरकार स्वयंसेवी संस्थाएं इन्हें समझा पाने में सफल हुईं और शुरू हुआ गांव में महिला स्वावलंबन का
नया संसार। घूंघट की ओट में ही अपनी कमाई के पलते सपने, एक औरत से शुरू हुआ सफर धीरे धीरे घर घर ढाणी ढाणी फैलने लगा। घर के चूल्हे चौकों से मुक्त होकर औरतें एक जगह एकत्रित होती और गप्पों गीतों के साथ ही शुरू हो जाता ऊन की कताई, रंगाई, खुलाई और बुनाई का सफर। भीड़ की ऊन के ढेर बोरियों में भरकर गांव में पहुंचने लगे, गोदामों से घरों तक और घरों से ढाणियों तक। मेहनत, कला और स्वावलंबन का एक नया अध्याय शुरू हो गया। 100 साल हो गया मानून का आता ने, भाई 2-3 किलो में ऊन काट ला भाई, और मार लाइटरी और सब दवाई तो मैं 3-2 किलो काट ला और मजदूरी कर ला, और दूसरी मारो सब कहीं है नहीं। आज हम पहले ही मार के पैसा भी माथे भी उग गया, अच्छा मकान भी को नहीं, बच्चा भी नहीं पढ़ा था, अब रोजगार चला ही हूँ मैं, बच्चा ही तो पढ़ावा, बच्चा की फीस भरदा, अच्छा मकान बना लिया, 5 रुपया माथे हाबे ही मैं उतार लिया, आदमी धर काम कर ले, लुगई कहीं कर कौन सके, ऊन वाला कोई धंधो को नहीं, तो ये ऊन मारे वो चौखो काम चाल है, तो आगे ही भाई वो मार चौखो चालना चाहिए, और यूँ अलावा भाई कटी 5 रुपया कटी आदमी तो और जार कर ले, लुगई तो कटी कर नहीं सके, दूजे माँ रोजगार वह नहीं, गैंग चाले मारते इनको उस दूर बट्टा पर छोड़ में जावा नहीं, मन तो ऊन वाले काम करना है साहब। बच्चों ने इसे खेल बना लिया, ऊन की गांठों को मिनटों में साफ करना, खेल का खेल और आमदनी का मेल। घर की बुजुर्ग औरतें जो आम तौर पर आराम और हत्ताई करके वक्त काटा करती थी, अब लोइयां काटती हैं। इनकी लीडरशिप में घर की सारी औरतों ने अपने खाली समय का कितना बढ़िया इस्तेमाल चुन लिया। ये काम तो मिनटों का है और फावड़े चलाने से ज्यादा अच्छा। मैं रोज में 2-5-6 किलो ऊन काट ले रोज री, और भी घर खर्चो मासीर कर ले, जिन काके होते एक है कम होना रहा, काके हो तो जाई जी नहीं बारे, मैं बहना गणी जाऊ लिहास रहे, जब मैं भी मार खर्चो ही कर ले वहाँ हाथ से, जब मेरे बीच मुठी पैरा कपड़ा लावा तो भी और कर ले हगल टाइम की कोशिश करा चल, तो रात भी रात करा कि रात रून बीखन ले वहाँ, चल दिन बेग चर को डाल दिन काट ले यहाँ कर फरा काम एकदम होरो लग गए, पहले काम नहीं करते दिन गुणी मोटो लाग तो और काम की नहीं है। घर बैठकर गपियाते हुए गाने भी गाइए और वक्त का पता ही नहीं चलता। कहीं गीतों के बीच धुनाई और बुनाई चल रही है, तो कहीं बड़े शहरों की बड़ी बातों का बयान नाच गानों के साथ हो रहा है। कितने जीवट वाले हैं ये ग्रामीण लोग, रंग बिरंगे, खुश मिजाज और संतोषी, हर परिस्थिति में खुश। पानी भरना हो या धूप में झुलसते हुए मेहनत करना हो, गीत संगीत का इनके जीवन से चोली दामन का साथ है, और अब तो ऐसा लगता है कि मानो जीवन के पन्ने रंगीन होते जा रहे हैं। अपनी मेहनत, अपनी कमाई ने मानो दिनचर्या ही बदल दी है।
लड़के सड़कों पर अपनी रेलगाड़ी चला रहे हैं, पुरुष चाय और ताश पत्तों में मशगूल हैं, और घर की लक्ष्मी आराम की जगह काम कर रही है। विश्वास ही नहीं होता कि इन छप्परों और तप्पड़ों के पैबंद लगे इस घर में लूम लगी होगी। कहीं औरतें चरखों में जिंदगी के सपने बुन रही हैं, तो कहीं ऊन की लोइयां बनाती युवतियां अपने भविष्य का ताना बाना सजा रही हैं। मुस्काने इसके होठों पर भी आए खुशियों भरे तराने, मेहनत कश ममता की मूरत शम के सुमन खिलाए, आया वक्त काम करने का मेहनत खुशियाँ लाए, मेहनत खुशियाँ लाए, मेहनत खुशियाँ लाए, जीवन में जागी जीने की आशा, जागी है आशा भागी निराशा, जीवन में जागी जीने की आशा, जीवन में जागी जीने की। रंगीन गलीचों के इस निर्माण ने हर चेहरे पर स्वाभिमान और स्वावलंबन के रंग भर दिए हैं। इस गांव ने स्वावलंबन की राह कैसे पकड़ी, ये दास्तान इस युवती ने बताई। हमने ये गलीचा बनाते हैं, इस गलीचे में सुबह से शाम तक 40-50 रुपए का काम कर लेते हैं। इसमें पहले बचत नहीं होती थी, अभी हमने 10-5 महिला बन गए, हमने समूह चलाया। समूह चलाने के बाद पैसे इकट्ठे करने लगा, पैसे इकट्ठे करके कोई महिलाओं को जरूरत पड़ गई तो उसी को हम 2 रुपये सैकड़े से ब्याज में चला दिए, ब्याज में चलाने से 2 पैसे उसमें बच गए, 2 रुपये उसमें बच गए। तो पहले हमारे पास पैसे नहीं जुटते थे, पूरे समूह चलाने के बाद हमारे पैसे भी बचने लगे और काम भी ठीक चलने लगे। गलीचा बनाना आसान काम नहीं है, धागों के बीच थिरकती उंगलियां ऐसे तैरती हैं मानो मछलियां तैर रही हों। रंग बिरंगे ऊन के धागे और उन्हें बुनते कोमल हाथ। मजे की बात यह है कि सब कुछ निर्देश के अनुसार हो रहा है। गलीचे की संपूर्ण डिजाइन को अपनी भाषा में पढ़ती ये लीडर बोलती है, निर्देश देती है और कालीन बुनते हाथ इसका यंत्रवत पालन करते हैं। ये भाषा भी इनकी खुद की रची गढ़ी है। और ये नौरंगी बच्ची सजा बच्चे 3 और सफेद पहला जय सफेद सिरे का जय तरम नारंगी और सोना बच्चा लाल जय। मूल डिजाइन के अनुरूप अक्षरशः कालीन का निर्माण, वाहरी कारीगरी, क्या एकाग्रता है। पूरा परिवार एक साथ एक ही धुन में। इन गलीचों के रंगीन धागों के बीच कभी कभी कोई महिला अपना भविष्य भी पढ़ने की कोशिश कर लेती है। तारों के बीच घूंघट की ओट में ये मुस्कुराता चेहरा किसी रेतीले अंचल का है, आंखों को विश्वास ही नहीं होता। बुनाई तो एक पड़ाव है, गलीचे के निर्माण में अब रह गई छोटी छोटी भूलों को कौन सुधारेगा। अब होगी इसकी चप्पूओं से धुलाई। ऐसा लग रहा है कि गलीचे में नावें चल रही हैं। क्या चमक उठा, वाह। अरे अभी ठहरिए जनाब, अभी तो बहुत सफाई बाकी है। अरे ये क्या, अरे
ये जनाब तो इसकी वेल्डिंग कर रहे हैं? जी नहीं, अब इसके रुएं जलाए जा रहे हैं। अभी तो सफाई बाकी है। अब जाके तैयार हुई है कालीन, कितनी खूबसूरत। डिजाइन से भी अब मिलान होगा, यानी अब ये बिकने को तैयार है। विश्वास ही नहीं होता कि इन अनपढ़ हाथों से इसका निर्माण हुआ है। अपनी कमाई का आत्मविश्वास चेहरे का नूर बन गया है। जिन्होंने जीवन में घूंघट और शोषण के अलावा कुछ नहीं देखा, आज उनकी आंखों में अपनी गाढ़ी कमाई का दर्प तैर रहा है। मेरी पासबुक, मेरा बैंक अकाउंट, मेरी कमाई, इस सारी क्रांति का श्रेय जाता है जयपुर रक्स फाउंडेशन जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं को, जिन्होंने अपनी सुविधा अपना घर रूपी मंत्र इन महिलाओं को परोसकर इन पिछड़ी महिलाओं को आगे लाने का जिम्मा उठाया। आज हमारे देश में महिलाओं की स्थिति विशेषकर गांव में ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमने एक एक गांव में जाकर महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उनकी स्किल अपग्रेड करके उनको सशक्त बनाने की कोशिश की, और आज करीब 25,000 महिलाएं देश के विभिन्न प्रांतों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, BPL, OBC वो इस धंधे से जुड़ी हुई है, और जो अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने के लिए जीवन यापन कर रही है। छोटी छोटी ढाणियों की 12,000 से ज्यादा महिलाएं ऊन की कताई करती हैं, रंगाई करती हैं, चरखे में खुलाई करती हैं। 28,000 से ज्यादा महिला पुरुष मिलकर इन खूबसूरत गलीचों का निर्माण करते हैं, जिनमें 80% से ज्यादा लोग अनपढ़ हैं, पिछड़ी जातियों के हैं, जिन्होंने बिना अपने घर की दहलीज पार किए 7 समुंदर पार तक अपने बनाए इन खूबसूरत गलीचों को भेजा है। घर में चाहे फांके हों या 2 जून के पेट भरने की कमाई, हर परिस्थिति में घर चलाना इन औरतों की जन्मजात प्रतिभा है, और इसी प्रबंध की क्षमता को पहचाना एनके चौधरी ने। मैंने गांव में जगह जगह घूमते फिरते हुए देखा कि महिलाएं जो इतने कम पैसे में और अपने परिवार को इतना अच्छी तरह मैनेज कर सकती है, तो उनकी जो मैनेजरियल स्किल्स है, जो मैनेज करने की क्षमताएं हैं, वो बहुत ज़्यादा है। और इन क्षमताओं को मैंने काम में लेने की सोची, महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। जिन हाथों ने जीवन में तगारी और फावड़ों के अलावा सिर्फ दुख उठाया था, आज उनकी अंगुलियां कंप्यूटर के माउस से खेल रही हैं। राजस्थान से बाहर के प्रांत की लड़कियां भी इनके हुनर की कद्रदान हैं। रेत के धोरों के बीच झुलसती धूप में मेहनत की आंच से तपे इनके बनाए ये खूबसूरत कालीन आज विदेशी बंगलों के एयर कंडीशन्ड ड्राइंग रूम्स की शोभा बढ़ा रहे हैं। रेगिस्तान की धूल भरी आंधियों से सनी इनकी नक्काशी साबित करती है कि प्रगति का संगीत अब शहरों की बपौती नहीं रहा, बल्कि ढाणी ढाणी, टीले टीले, गांव गांव गूंजने लगा है। औरतें चाहे घर की चार दीवारी के भीतर ही क्यों ना सिमटी हों, उन्हें अगर अवसर मिले तो वो अनपढ़ होकर भी कंप्यूटर से खेल सकती हैं, अपनी मेहनत और स्वावलंबन से अपने पूरे परिवार की
कमान थाम सकती हैं। रेत के टीलों में प्रगति के इस गूंजते संगीत ने साबित कर दिया है कि ये औरतें घूंघट और परंपराओं की ओट में सिमटी जरूर हैं, पर इनके हौसले आसमान से भी ज्यादा बुलंद हैं।